हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक इन इंडिया में। और आज का टॉपिक है IS 2062। इंडियन स्टैंडर्ड IS 2062 में स्टील की बात की गई है। ये स्टील कौन सा है आपके सामने है? हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील। इस स्टील में मटेरियल के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है देखने लायक, वो केमिकल कंपोजिशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इस स्टील को इंडस्ट्री में आमतौर पर सामान्य भाषा में MS के नाम से जाना जाता है। MS मतलब आप जानते ही हैं, माइल्ड स्टील है ये। तो इस माइल्ड स्टील के बारे में, इस स्टैंडर्ड में मैंने अभी 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 आपको बताया कि केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी कुछ बेसिक बातें हैं जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की ओर से। ये सामने आप स्कोप देख रहे हैं, तो हम पहले स्कोप की बात करते हैं कि इस स्टैंडर्ड में जो स्टील है, आपको प्लेट, स्ट्रिप, शेप्स और अदर सेक्शन जैसे कि एंगल, टी, बीम, चैनल और फ्लैटेंड बार के रूप में आपको ये मिलेगा मार्केट में। और इसका मेन यूज स्ट्रक्चरल वर्क में किया जाता है। इसके साथ ही ये वेल्डिंग, बोल्टिंग एंड रिवेटिंग में भी प्रयोग किया जाता है। और मेन सबसे खास पॉइंट ये है कि इस MS यानी IS 2062 का सबसे ज़्यादा यूज फैब्रिकेशन में किया जाता है। इसके यहाँ पर ये रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस में यहाँ पर आप इंडियन स्टैंडर्ड के काफ़ी सारे यहाँ पर स्टैंडर्ड देख सकते हैं। ये सभी वो स्टैंडर्ड है कि इसमें IS 2062 से जुड़ी हुई जानकारी ली गई है या इससे कुछ गाइडेंस ली गई हैं। तो ये सभी आप स्टैंडर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं थर्ड में, टर्मिनोलॉजी। तो इसके अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, जैसे माइक्रो एलोइंग एलिमेंट के बारे में, तो माइक्रो एलोइंग एलिमेंट से यहाँ पर यह मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जैसे कि नियोबियम, पेनेडियम एंड टाइटेनियम, या तो इनका सिंगल इंडिविजुअल तरीके से यूज किया गया हो या कंबाइंड तरीके से यूज किया गया हो MS के अंदर। तो इन एलिमेंट का यूज करने से MS की स्ट्रेंथ, उसकी टफनेस, उसकी अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अदर अनएलॉयड स्टील के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही इसमें वेल्डेबिलिटी है, कंट्रोल्ड रोलिंग है, नॉर्मलाइजिंग रोलिंग है। ये सब इसमें ये डेफिनेशंस दी गई है जिसके बारे में आप पढ़ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इसके मेन पॉइंट्स जो हमें बात करनी है वो है ग्रेड। इसके अंदर जो MS में ग्रेड, चार ग्रेड में हमें ये MS मिलता है, ए, BR, B0, C। इसे आप देख सकते हैं। तो ये चार ग्रेड कौन से हैं? ए, BR, B0, C। ये का मतलब होता है कि अगर आप MS को लेने जा रहे हैं मार्केट में और उसमें ए ग्रेड है, तो मतलब उसमें इम्पैक्ट टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। BR लिखा हुआ है ग्रेड में, तो मतलब इम्पैक्ट टेस्ट ऑप्शनल है। अगर आप करवाते हैं तो उसे रूम टेम्परेचर पे ये होगा। B0 का मतलब है कि इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है लेकिन 0 डिग्री पर होगा। और C मतलब इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है, वो भी किस पर होगा? -20 डिग्री पर। इस तरह से MS आपको चार ग्रेड में मिलता है। सिक्स पॉइंट है मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर और परचेजर के बीच में जो भी डील होती है उससे जुड़ी बातें यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर सेवन पॉइंट पर बात की गई है फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट, यानी जब आप MS लेने जाएंगे तो वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। डिफेक्ट फ्री से मतलब है कि उसमें लेमिनेशन की प्रॉब्लम है, सरफेस रफनेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसकी एज है वो इम्परफेक्ट नहीं होना चाहिए, अदर हार्मफुल डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसमें इस तरह से बताया गया है। साथ ही कुछ माइनर सरफेस डिफेक्ट के बारे में बात की गई है कि अगर आप सप्लायर के पास जा रहे हैं MS या अदर मटेरियल को लेने के लिए, तो वहाँ पर अगर उसमें सरफेस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सप्लायर उस पर ग्राइंडिंग के द्वारा उस माइनर सरफेस डिफेक्ट को ख़त्म कर देगा। तो उसकी कुछ कंडीशन है वो यहाँ पर दी गई हैं, आप देख के पढ़ सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसकी मैंने बात की थी केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। एक तरफ फर्स्ट में दिया गया है ग्रेड डिज़ाइन, यहाँ पर एक ग्रेड दिए गए हैं। अब उस ग्रेड के भी सब ग्रेड हैं जो क्वालिटी के फॉर्म में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ए, BR, B0, C, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसके अलावा है यहाँ पर
इनकी केमिकल कंपोजिशन इसमें कौन कौन से हैं, कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये दिए गए हैं। फिर कार्बन इक्विवेलेंट की बात की गई है, लास्ट में बात की गई है मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं E250। E250 का हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या है। E250 में चार ग्रेड हैं, जो भी आप मार्केट से आपकी कंपनी में अलाउ है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट वो आप ले सकते हैं इसमें। और जैसे अभी हम बात कर लें E250 में ए ग्रेड की बात करें, तो इसमें कार्बन 0.23 है, मैगनीज 1.5 है, सल्फर 0.045 है, फास्फोरस 0.045 है, सिलिकॉन 0.4 है, कार्बन इक्विवेलेंट 0.42 है। कार्बन इक्विवेलेंट का यहाँ मतलब होता है हार्डनेस और वेल्डेबिलिटी से, यानी अगर मटेरियल के अंदर हार्डनेस ज़्यादा होगी तो वेल्डेबिलिटी कम होगी, और हार्डनेस कम होगी तो वेल्डेबिलिटी ज़्यादा होगी। और वेल्डेबिलिटी से मतलब होता है कि किसी मटेरियल में वेल्डिंग की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी है या ख़राब है। अगर वेल्डेबिलिटी ज़्यादा है तो वेल्डिंग अच्छी होगी, वेल्डेबिलिटी ख़राब है तो मतलब वेल्डेबिलिटी भी ख़राब होगी। साथ में बात करते हैं मोड ऑफ डिऑक्सीडेशन की। यहाँ पे सेमीकेल्ड और केल्ड लिखा हुआ है। जब स्टील को वो पिघली अवस्था में फर्नेस में रखा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे एलोइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं जिससे वो पूरी तरह से डीऑक्सीडाइज हो जाए। जब वो पूरी तरह से डीऑक्सीडाइज हो जाता है तब तो वो किल्ड स्टील कहलाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर एलोइंग एलिमेंट, खास एलोइंग एलिमेंट मिलाने पर भी उसमें पूरी तरह से वो डीऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वो सेमी किल्ड कहलाता है। तो ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से अलग अलग ग्रेड हैं यहाँ पर दी गई है, वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है कि उसे किस ग्रेड का कौन सा मटेरियल चाहिए, वही हम कंपनी खरीदती है। कई अलग अलग ग्रेड दिए गए हैं और केमिकल कंपोजिशन से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट आप देख सकते हैं कार्बन इक्विवेलेंट का। तो ये कार्बन इक्विवेलेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है जो भी हम मैंने बात की थी कि कार्बन इक्विवेलेंट वेल्डेबिलिटी एंड हार्डनेस के रिलेशन को बताता है। ये रहा यहाँ पे कार्बन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी प्लस मैंगनीज डिवाइडेड बाई 6 प्लस क्रोमियम प्लस मॉलिब्डेनम प्लस वेनेडियम डिवाइडेड बाई 5 प्लस निकल प्लस कॉपर डिवाइडेड बाई 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की गई है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल में क्या क्या दिया हुआ है, ग्रेड दिया हुआ क्या है, फिर इसके सब ग्रेड दिए गए हैं, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की गई है जिसकी यूनिट मेगा पास्कल में, इसके बाद यील्ड स्ट्रेस दी गई है इसकी भी यूनिट मेगा पास्कल में है, इसके बाद एलोंगेशन दी गई है, एलोंगेशन मतलब डक्टिलिटी को बताता है, इसके बाद में इंटरनल बैंड डायमीटर की बात की गई है, लास्ट में चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट की बात की गई है। तो इस तरह से आप हर ग्रेड की उसके अंदर क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या यील्ड स्ट्रेंथ है, एलोंगेशन है, बेंड टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट जैसी कोई भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। जो भी ग्रेड आप खरीद रहे हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेड वाइज। और यहाँ पर कुछ ये ज़रूरी नोट्स में बात लिखी हुई वो आप देख सकते हैं। अब हम बात चलें कि अब हमें यहाँ पर और कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो देखने ज़रूरी हैं, वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी केमिकल कंपोजिशन है तो उसमें मैक्सिमम कितने परसेंट यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन अलाउ हैं। जितने आपने ऊपर देखा है उसमें भी मैक्सिमम और कितना अलाउ हो सकता है, जैसे मैग्नीज 0.05 दिया हुआ है, तो जितना ऊपर आपने देखा था किसी ग्रेड में मैग्नीज जितना भी है उसमें 0.05 प्लस और कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल, यानी अगर किसी जो भी आप मटेरियल IS 2062 में आप लेने जा रहे हैं और उसका अगर कोई सैंपल टेस्ट होता है, मैकेनिकल टेस्ट होता है, तो उस दौरान उसका सैंपल का क्या साइज होगा, क्या उसके लिए कंडीशन होंगी, तो वो सभी यहाँ पर बात की गई है। और उसमें किस तरह के IS 2062 में किस तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे टेंसाइल टेस्ट है, बेंड टेस्ट है, इसके अलावा इम्पैक्ट टेस्ट है, तो ये सभी यहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे किए जाएंगे, क्या क्या कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ पर वाई ग्रुप क्रैकेबिलिटी टेस्ट भी होता है। साथ ही इसमें IS 2062 में आप सिर्फ मटेरियल की, जो मटेरियल आप लेकर आ रहे हैं उसकी केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही जान सकते हैं। उसके डायमेंशन अगर आपको जाननी है तो उसके लिए यहाँ पर ये नीचे दिया गया है, यहाँ पर जैसे मैंने फोकस किया है
ये जो आईएस दिए गए हैं स्टैंडर्ड, इन पे आपको जाकर इन्हें यहाँ पर आप डायमेंशन देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर 4 पर प्लेट स्ट्रिप एंड फ्लैट, तो यहाँ पर IS 1730, यानी आपको IS 1730 स्टैंडर्ड में जाके किसी प्लेट की आप डायमेंशन देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ नंबर 8 पर चैनल सेक्शन की, तो यहाँ पर इसके डायमेंशन अगर आपको देखनी है तो IS 3954 में जाके आपको इसकी डायमेंशन देखनी है। और अगर आपको केमिकल कंपोजिशन या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी, तो इसके लिए ये IS 2062 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो ये है ही। इसके अलावा इसमें टॉलरेंस अगर आपको देखनी है, वो डायमेंशन के लिए अभी मैंने बताया, और डायमेंशन है तो उसमें टॉलरेंस भी चाहिए। तो टॉलरेंस के लिए यहाँ पर मेन ये अलग से स्टैंडर्ड और लिया जाता है। मेन स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं IS 1852, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ, जैसे कि पैरेलल फ्लेंज बीम है या कॉलम है, तो उनके लिए हम IS 12778 का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके यहाँ पर ये बताया गया है। इसके अलावा मास चेक करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ मास, मास चेक करना है किसी पार्ट का, तो उसके लिए हम 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक तरह से डेंसिटी दी गई है, इसका यूज हम कर सकते हैं मास निकालने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं और ये यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।